News 18, India. लालू प्रसाद यादव भी आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन जिस तरीके से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, बीजेपी खेमे में भी लगातार हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो बिहार के लिए अच्छा होगा वही किया जाएगा। लगता है कि खबर तो जो दिख रहा है वो आप ही लोग बना रहे हैं, तो जो खबर आप लोग बना रहे हैं वो अच्छा ही बना रहे होंगे। राज्य हम यही कह रहे हैं, जो खबर आप लोग बना रहे हैं वो अच्छा ही दिख रहा है, और जो कुछ भी हो राज्य के हित में हो और देश के हित में हो ऐसा हम लोग का मानना है, और इससे ज्यादा तो अभी कुछ बोलने लायक तो है नहीं। तो देखिए, हर मिनट जो है फिलहाल बिहार के अंदर राजनीतिक संकट और गहराता जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच में सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे अलग अलग सहयोगी जो है वो आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। अरुण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। अरुण, 5:05 बाकी और 7:02, क्या लग रहा है इस्तीफा देने पहुंचेंगे नीतीश कुमार? देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो बिहार बीजेपी का दफ्तर है वहां पर बैठक चल रही है, और वो बैठक बिहार के जितने बड़े नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद हो, चाहे राधा मोहन सिंह हो, जितने बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, पूर्व जो लोग रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं, और बीजेपी के सारे विधायक हैं, सारे बड़े नेता मौजूद हैं। गहमा गहमी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो दफ्तर है प्रदेश का जो पटना में, वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो नेता हैं वो बैठक के लिए पहुंचे हैं। और बैठक का एजेंडा क्या है? बैठक का एजेंडा कहने के लिए तो वैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो बैठक का एजेंडा कहा जाता है और जो अंदर होता है, दोनों में फर्क होता है। जो बिहार का सियासी घटनाक्रम है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, इस तरह के पूरे संकेत हैं। और जिस तरह से आरजेडी और उनके बीच बयानबाजी शुरू हुई, जब नीरज कुमार इस तरह का बयान देते हैं कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि नौकरी के बदले उनको जमीन नहीं मिल रही, तो ज्यादा कुछ कहने, सुनने, सोचने और समझने के लिए नहीं रह जाता। ये लगभग तय है कि आरजेडी और जेडीयू के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। अब बीजेपी के साथ कब, कैसे, किन शर्तों पर गठबंधन होगा, नीतीश कुमार के साथ जो बातचीत होनी है वो पहले हो चुकी है, लेकिन कब मुहूर्त तय किया जाएगा, क्या कल सवेरे का मुहूर्त तय किया जाएगा, आज रात का मुहूर्त तय किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार में आ रही है, और ठीक उसके पहले जिस तरह से एक बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार को बीजेपी तोड़ने में सफल रही है, न सिर्फ विपक्ष की घेरेबंदी, बाड़ेबंदी, विपक्ष का एक बड़ा रसूख वो दांव पे लग गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक तरह से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लगातार राज्यों में जीत दर्ज करता जा रहा है, बिहार में भी जहां उनकी सरकार नहीं थी एक सरकार बना करके वो साबित करेंगे कि बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है और विपक्ष की कोई जमीन नहीं। बिल्कुल, देखिए अरुण, और इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो इंडी गठबंधन के सूत्रधार थे उसी सूत्रधार को सीधे तौर पर अलग किया गया, बीजेपी की तरफ से सीधे वही पर निशाना साधा गया। और अब देखिए जिस तरीके से फॉर्मूले जो बन रहे हैं, आरजेडी के खेमे में अभी भी खलबली मची हुई है, वो कह रहे हैं कि ये फोन बंद ना करें, तमाम विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो पटना में रहे, और जेडीयू के खेमे में तो ये चल रहा है कि कल क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, किस फॉर्मूले पर बातचीत होगी। तो देखिए ना, वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आरजेडी, अभी आरजेडी को अभी भी लग रहा है कि उनके विधायक इधर उधर जा सकते हैं। देखिए, कई बार नेताओं की जो भाव भंगिमा होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अंदर से भले ही मुश्किल में हो लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है। आरजेडी का वही हाल है। अगर आरजेडी कह रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, और कोई भी सेनापति जंग के आखिरी परिणाम से पहले हार नहीं मानता और न ही इसकी घोषणा करता है। तो आरजेडी कहेगी कि उनके साथ कांग्रेस है, उनके साथ जीतनराम मांझी आ सकते हैं, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी का जो विधायक है, एक निर्दलीय विधायक वो आ सकता है, लेफ्ट उनके साथ है, 119 के आसपास उनकी संख्या हो जाएगी, 3-4 का जुगाड़ वो कर लेंगे, ये दावे वो भी करेंगे, और ये दावे नीतीश कुमार और बीजेपी भी करेंगे कि उनके पास बहुमत नहीं, बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा है। ये दावे हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पर तब तय होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस, जब विधानसभा में बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक साथ आते हैं तो मुझे लगता है कंफर्टेबल ये मेजोरिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जमीनी हकीकत क्या कहती है अरुण, इस सवाल के साथ लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन देखिए बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच पटना में बीजेपी राज्य कार्य समिति की बैठक हुई, लेकिन बैठक से निकले नेताओं ने इस बात का दावा किया कि उनके बीच जेडीयू को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सुनिए, बैठक है, बस बैठक के संदर्भ में चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई, और कोई बैठक और नीतीश जी के साथ अभी बस लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी जी की बैठक हुई है। क्या दरवाजा खुलने की बात हो रही है, खाना कब खाएंगे आप लोग सिर्फ नीतीश कुमार जी के साथ? लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक है प्रभारी जी के साथ, आज शाम को बैठक होगी।
जो बात आप जानना चाहते हैं वो बिहार में बैठकर तय होने वाला है क्या, ये हमारे शीर्ष के नेता जानेंगे। हम अभी तो चुनाव से संबंधित बात हमेशा तो हम लोग बैठते ही रहते हैं ना। कब नीतीश जी के यहाँ भोजन होगा? अरे वो डेट निर्धारित यहाँ से नहीं। तो देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए कोई बात नहीं हुई है जेडीयू आरजेडी को लेकर, ये बैठक जो है लोकसभा चुनाव को लेकर थी। और सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, आप जमीनी हकीकत की बात कर रहे थे, सच बताइएगा, हेड काउंट करके देखिए 78 के 78 बीजेपी के विधायक थे या एक आध जो है किसी और के संपर्क में है? देखिए बीजेपी के विधायक सही कह रहे हैं जो बैठक से निकल रहे हैं कि यहाँ पर जेडीयू के गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। बातचीत इस स्तर पे नहीं होती है, ये बातचीत होती है ऊपर के स्तर पे, जो दिल्ली में होती है, जो यहाँ कोर कमेटी की बैठक होटल में होती है उसमें बातचीत होती है। इतने लोगों के बीच में गठबंधन किससे किया जाए, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, ये बात नहीं होती है। जो कोर ग्रुप के नेता होते हैं, देखिए दिल्ली में अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बात की है, और वहां से सिग्नल मिलते ही यहाँ पर जो लाइन लेंथ दी जाएगी उसी के मुताबिक नेता चलेंगे। तो आज वो जरूर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो उठापटक चल रहा है ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी ही सिर्फ कैसे कर सकता है कोई नेता? जाहिर सी बात है चर्चा होती है, जो बिहार में सियासी समीकरण है उस पर चर्चा होती है, लेकिन फैसला नहीं हो सकता यहाँ। फैसला तो होगा केंद्रीय नेतृत्व से, और जो अमूमन ऐसा लगता है कि हो चुका है, स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है, बस नीतीश कुमार जो मुख्य अभिनेता है उनके मुख बिल्कुल अरुण लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन देखिए बिहार के अंदर राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल अमित शाह पटना जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह जो है नीतीश कुमार का हो सकता है। लगातार हम कह रहे हैं औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है या फिर परसों भी होता है, लेकिन जानकारी यह है कि कल अमित शाह जो है वो पटना जा सकते हैं। क्योंकि देखिए बिहार में हर सेकंड में राजनीतिक संकट जो है वो किस तरीके से गहराता जा रहा है। एक तरफ आरजेडी लगातार दावा ठोक रही है, दूसरी तरफ जेडीयू कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास पूरी तरीके से बहुमत है। हालांकि हैरानी की बात, देखिए आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल, बावजूद इसके अभी तक सरकार बनाने में नाकाम। क्योंकि दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे सरकार बनाते हुए, और ऐसा हो सकता है शाम 7 बजे इस्तीफा नीतीश कुमार दे दे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित शाह जा सकते हैं कल पटना? देखिए इस बात की संभावना है, और आज चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई थी, कल शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई थी, तो अभी पहले एक कदम उठाया जाए उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि अमित शाह जा सकते हैं पटना। इसके अलावा और जो शीर्ष नेता है उनकी भी मौजूदगी हो सकती है अगर शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो। कुल मिलाकर अब जो हुआ है कि कब इस्तीफा देंगे वो नीतीश, और कब शपथ ग्रहण उनका होगा उसके मुताबिक अंतिम रूपरेखा इस पूरे कार्यक्रम को दी जाएगी। यानी कि अमित, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह होगा अमित शाह उसमें नजर आएंगे, जैसा पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली के नेता जो है वो पहुंचेंगे पटना। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व के मुताबिक ही यह पूरी चीजें हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो विनोद तावड़े हैं वो बिहार बीजेपी प्रभारी वो पटना पहुंचे हैं, और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो इसमें शीर्ष नेताओं की मौजूदगी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, और इसी फेहरिस्त में इसी कड़ी में अमित शाह का नाम प्रमुख है, क्योंकि उन सारे बैठक के दौर में वो भी शामिल थे। और तो ये बीजेपी दिखाना यह चाहेगी कि अब जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसमें यह अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, और वो तस्वीर अमित बहुत अलग होगी अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं, और शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, क्योंकि वो वक्त याद कीजिए जिस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाता नीतीश कुमार ने तोड़ा था, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे। और आज एक बार फिर से तस्वीर बदलती हुई अमित, जहां पर ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होता है तो अमित शाह पहुंचेंगे। देखिए जो भी पूरा राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर हो रहा है, बीजेपी इस बार यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि बीजेपी की शर्तों के मुताबिक ही बिहार में यह सरकार बने, और जदयू को इस वक्त जो जदयू के कदम की वजह से ही बीजेपी। अमित, हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी की बैठक अभी दूसरी बार हो रही है वहां पर अरुण मौजूद है। अरुण, सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह कल पटना पहुंच रहे हैं। देखिए नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो यहाँ पहुंचे हैं अभी फिलहाल,
वो तस्वीरें देखिए, पता नहीं उनकी तस्वीर आपको दिखाई भी देगी नहीं, दिखाई दे जाएगी। पार्टी की बैठक के लिए पहुंचे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं और काफी कुछ कहने के लिए है नहीं। जो बीजेपी के नेता हैं वो अंदर अंदर, उनको पता तो सब है लेकिन बता कुछ नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्रीय नेतृत्व, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पर सलाह मशविरा होता है, बातचीत होती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। देखिए नित्यानंद राय उधर से जा रहे हैं बैठक के लिए। देखिए तस्वीरों में अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, देखिए नित्यानंद राय आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक समय था कि बिहार में इस तरह की संभावना थी कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, एक समय था ऐसा। अब कभी मंगल पांडे का नाम, कभी नित्यानंद राय का नाम, लेकिन केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया और तब से वो लगातार नीरज कोई सरप्राइज देखिए लगातार सवालों के जवाब। बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, कल कोई सरप्राइज एक बार फिर से हमें नजर तो नहीं आएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फैसले लेती है, चौंकाने वाले फैसले लेती है। और देखिए आपकी मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने राजस्थान में, और यही बिहार में ही 2020 में जब दो मुख्यमंत्री बनाने थे, ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो उन दोनों को जब लाया गया मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लिया करती है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जो फैसले लेते हैं, पहली बात तो उसमें लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं होती कि फैसला जब तक वो न चाहें फैसला बाहर नहीं आता, और जब बाहर आता है तो कईयों को चकित करता है, सरप्राइजिंग फैसले होते हैं। तो बिहार में भी उप मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो कौन होंगे, या मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन होंगे, इन सब बातों का जवाब आपको दिल्ली से ही मिल सकता है, यहाँ तो सिर्फ फैसले की जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल अरुण सही कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, लेकिन गेम चेंजर की अगर हम बात करें, जीतन राम मांझी कहे जा रहे हैं कि गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगे, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी को फायदा क्या होगा अगर वो जेडीयू के साथ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, दो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के होंगे, विधानसभा स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। दूसरी तरफ आरजेडी तो कह रही है कि आप अपने बेटे को हम आपके जो है उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। देखिए जीतन राम मांझी को फायदा क्या होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो अंतिम लक्ष्य होता है, वो बात भले कहें कि सबका विकास करना है, सबको आगे बढ़ाना है, लेकिन सत्ता प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य होता है। क्यों? क्योंकि सत्ता के जरिए ही वो आम लोगों की भलाई कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी का भी लक्ष्य वही है, कहां उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो, कहां सरकार बनती दिखेगी, कहां उनके बेटे का समायोजन हो जाएगा, कहां ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे, किसके साथ जाना ज्यादा जरूरी है, किसके साथ जाना फायदे का सौदा। ठीक है अरुण, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जीतन राम मांझी हालांकि इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि वो जेडीयू के साथ ही रहेंगे, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन गेम चेंजर के तौर पर जीतन राम मांझी जो है वो जाने जा रखे हैं। एक बार आपको आंकड़ा भी दिखा रहे कि आखिर देखिए बिहार में किस तरीके से आंकड़ा जो है, अभी फिलहाल विधानसभा का आंकड़ा क्या कहता है, आरजेडी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं यानी कि 79, कांग्रेस की बात करें 19 सीटें, लेफ्ट 16, भारतीय जनता पार्टी के पास 78 और जेडीयू के पास 45 सीटें, हम के पास 4 सीटें, तो ऐसे में समझिए कुल जो 127। तो एक एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहा हूं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की तरफ से बड़ा दावा किया गया, उन्होंने कहा आरजेडी के पास बहुमत नहीं है, लालू यादव को बहुमत नहीं मिल रहा है, जबकि लालू यादव कह चुके हैं कि हमारे पास आंकड़ा है, अड़ियल आदमी है लालू यादव। गोपाल मंडल की तरफ से, जेडीयू के विधायक है, उनकी तरफ से दावा किया गया, सुनिए। के होने का दावा वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश करेंगे राजभवन, लेकिन बात है उसके विधायक का बहुमत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी जदयू मिल जाएगी तो उसमें कुछ बच नहीं जाएगा। देखिए आरजेडी कह रही है कि खेल अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में लगातार राजनीति हर पल बदल रही है, इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अलग अलग दावा भी कर रहे हैं, सुनिए क्या दावे किए जा रहे हैं अब तक। कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है, संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है, उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर
जदयू से, क्योंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है। कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं।